हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फाइनली जाने का वक्त आ रहा है दोस्तों। मायके के दिन कितनी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं पता नहीं चलता, और कब ये दिन बीत गए इन सर्दियों में पता भी नहीं चला। कपड़ों का ढेर तो देखो, मन कर रहा था मैं ये भी ले चलूँ, वो भी ले चलूँ, सारे पहन डालूंगी, कभी कुछ पहनूंगी। हाँ, मैंने बहुत सारे कपड़े पहने हैं, इनमें से ऐसा नहीं है, सिर्फ दो ही सूट मेरे ऐसे रह गए थे जिनको मैं नहीं पहन पाई थी, बाकी के सारे कपड़े पहने थे। हाँ, बच्चों के कुछ कपड़े रह गए थे जो नहीं पहन पाए थे, क्योंकि बच्चों को मन ही नहीं कर रहा था कि मैं उनको बार बार बदलूँ उनके, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि पूछो ही नहीं। बस कोहरा, सर्दी, इन्हीं सब चीज़ों में उलझी रही, और मायके के दिन कब निकल गए पता नहीं चला। अब मैंने सारे सूट ना एक ही एक बार पहने थे, तो ये सारी पैकिंग जो है मैंने रात को ही कर ली थी, क्योंकि कल मुझे देने के लिए मेरे पति देव आ रहे हैं, मम्मी के दामाद अपनी दुल्हनिया को लेने के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पे सारी पैकिंग जो है ऑलमोस्ट डन कर दे रही हूँ मैं। तो मैंने आध्या से बोला था थोड़ी सी क्लिप सूट करने को, तो वही कर रही है। यहाँ पे बहुत सारे कपड़े रखने में दिक्कत हो रही है। अब मैं इनको एक बार ये बैग पैक करके फुल करके रख दूंगी, और जो कपड़े पहन के जाने हैं, जो आध्या को पहनने हैं, मुझे पहनने हैं, दक्ष को पहनने हैं, वो बाहर निकाल दिए पहले से, और ये सारे कपड़े आ जाएंगे। बंद कर दूंगी मैं थोड़ी देर में, इसको एडजस्ट अभी करना पड़ेगा धीरे से। उसके बाद कुछ कपड़े दूसरे छोटा एक बैग है उसमें जाएंगे, और कुछ जो मिला है यहाँ से वो लेके जाऊंगी। तो बस चैन बंद कर लूंगी, हो गई पैकिंग। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, पता नहीं क्यों। कल बहुत ज़्यादा सर्दी थी, और गलती से मैंने ना ठंडे पानी से कल नहा लिया, मतलब गीजर ऑन किया, और मतलब रोटी खोल दी, गीजर ऑन करना भूल गई, और पानी उसमें ठंडा ही था, और मैं नहाने बैठी तो ठंडा था। अब मैं क्या करती, मैं नहा ही लिया फिर, और आज मैं नहा के तैयार हो चुकी हूँ, और दक्ष को भी तैयार कर दिया है। अभी करीबन 11 बज रहे हैं, हस्बैंड जी मेरे आने वाले हैं लेने के लिए। मेरा गला ख़राब हो रहा हो गया है पूरा, मैं बोल भी नहीं पा रही, बहुत ज़ोर सर्दी हो गई है। मेरे ज़ुकाम भी है, आँखें भी दर्द हो रही हैं, गला भी ख़राब हो गया है, और मुझे भी खांसी है, दक्ष को भी खांसी है। अभी तक बिल्कुल ठीक था, बस कल ही हुआ है ये, और एकदम से शाम को ज़्यादा बढ़ गया था, फिर इसलिए व्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी, मैं बोल भी नहीं पा रही थी सही तरीके से। और अभी चलते हैं नीचे, मैं थोड़ी देर ऊपर आई थी धूप लेने के लिए, क्योंकि बहुत हवा चल रही है, लेकिन धूप ठीक ठाक ऊपर लग रही है, सबसे ऊपर सबसे अच्छी लग रही है धूप, नीचे नहीं लग रही है। पता नहीं चलता है कब समय हो जाता है जाने का। मायके के दिन तो ऐसे फर्र हो जाते हैं जब भी आओ, मतलब 8 दिन के लिए, मतलब कल 10 दिन हो गए, आज 10वां दिन है, और पता नहीं चला। एक तो सर्दी, सर्दी में वैसे भी दिन छोटे, और वैसे भी पता नहीं चलता है, और सब मतलब ऐसे ही था, बिजी बिजी बिजी, सभी लोग बिजी हर एक काम में, और इस बार तो पता नहीं चला बिल्कुल भी। तो बस हमने सोचा आप लोगों को बताते हैं, अपडेट करते हैं, और सोच रही हूँ एक दो रील और बना लूँ यहाँ पे, अच्छी अच्छी रोशनी आ रही धूप में। आज मैंने ये नाइट सूट डाल लिया सुबह सुबह, वैसे मैंने एक भी दिन में नाइट सूट ऐसे नहीं डाला था, बट आज मैंने डाल लिया। मैंने सोचा अभी तैयार होंगी, क्योंकि जब ये आएंगे उसके बाद फिर मैं तैयार होना शुरू करूँगी, या मतलब अभी रुकेंगे थोड़ी देर ये जब आएंगे, और करीबन 4 बजे यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि गाड़ी करके ये लाएंगे, और गाड़ी से ही तुरंत निकल जाएंगे, रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि गाड़ी बुक करके लाए हैं हम लोग, मतलब लाएंगे, तो इसीलिए ठीक है। चलो ये आ जाते हैं फिर इनसे, थोड़ा सा दिखाते हैं, मिलवाते हैं। सुबह नीचे आई तो देखा कि भाई आ गया था दुकान से, और आध्या को इस तरीके से लिए हुए घुमा रहा है, और सबसे ज़्यादा वो अपने मामाओं से लगती है, तीनों मामाओं से सबसे ज़्यादा आध्या लगती है, मौसी से भी लगती है ऐसा नहीं है, लेकिन मामा से कुछ ज़्यादा ही अलग अटैचमेंट है उसका। मतलब जब छोटी थी, जब मैं झूला में इसे लिटाती थी, तो तीनों मामा झुलाते थे उसको। तो ये रहा सुबह का नाश्ता मेरा, और आलू फ्राई बनाए थे आज, राखी नहीं बनाया है, चटनी है, पूरी है, तो सुबह ही नाश्ता किया मैंने। और बस उसके बाद ये आ गए थे दोपहर में, दोपहर में नहीं कहूँगी, 11 बजे करीबन ये पहुँच गए थे, सुबह अर्ली मॉर्निंग कार बुक करके लाए हैं, तो ये आज ही लेके चले जाएंगे मुझको। तो एक्चुअली ना जैसे कि रहता है कि गाड़ी बुक की है तो तुरंत की तुरंत निकलना होता है, नहीं तो फिर एक्स्ट्रा चार्ज लगने लगता है, तो बस वही है। इन्होंने नाश्ता वगैरह किया, खाना बाद में खाएंगे, दुकान पे जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए। अंकिता बैठे जा, जा इन में। बाय 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 बाय, टाटा टाटा, ठीक, जल्दी आना। ये देखो बिस्किट,
लो जीजा जी को खिला पिला के ना फ्रेंड दुकान चले बिस्किट जाएंगे। खा लो, लो फ्रेंड बिस्किट खा लो, दाल मोट भी खा लो। मेरा गला खराब हो गया। अब कब आई हो ये बताओ। अच्छा देखो अब हम जा रहे हैं और अभी मुझे एडिटिंग करनी है और वॉइस ओवर करना है। इसे फटेबाज जैसे आवाज में आवाज वॉइस ओवर करेंगे। गला बैठ गया, मजबूरी है। और उसके बाद अभी बज रहे हैं 12:15, यहाँ से निकलना है हमें 3:30-4 बजे। 4 बजे बिल्कुल निकल जाएंगे, विद्या हो जाएगी ना वहाँ पहुँचने में। 8 बजे पहुँचता, 8:30 तो। और अभी बज रहे हैं 2:00 PM और मैं रेडी हो गई हूँ। आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं जा रही हूँ अपने घर सीतापुर वापस। तो आज है हमारी विदाई मायके से। दिन पता नहीं कब कितनी जल्दी ख़त्म हो गए, पता ही नहीं चला। 10 दिन बीत गए ये सर्दियों में, तो कुछ पता ही नहीं चला। मैंने ये ग्रीन कलर की कुर्ती पहनी है जिसमें ये ब्लैक कलर का थोड़ा सा प्रिंट वगैरह दिया गया है, ये इस तरीके की डिटेलिंग की गई है। ये जो कुर्ती है ना बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, बहुत ज़्यादा। मैं इसका फुल लुक अभी आपको दिखाऊंगी। फिलहाल मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड कर रही थी, मैं सोच रहा अपलोड कर दूँ। और अभी मेरे हस्बैंड दुकान पे गए हैं, मेरे भाई की शॉप पे, वहाँ पे हैं और अभी आएंगे, फिर आके वो खाना खाएंगे। क्योंकि अभी वो बस नाश्ता वगैरह करके चले गए थे, फिर खाना वगैरह तो खाया नहीं है, और गाड़ी बुक करके लेकर आए हैं। तो फिर यहाँ से हम लोग 3:30 बजे निकल जाएंगे आराम से, तो घर पहुँचना भी है। तो आज ही ये आए हैं, आज ही चले जाएंगे। आद्या दख तो तैयार है, आद्या को भी तैयार करना बाकी है। तो मैं सोच रही हूँ फटाफट से मैं ये सिस्टम तो बंद कर दूँ, हो गया काम। अब मैं आद्या को तैयार करूँ। अभी मुझे महावर वगैरह भी लगाना है, तो मैं महावर भी लगाऊंगी और पूरा लुक भी दिखाऊंगी कैसी लग रही हूँ। और अच्छा नहीं लग रहा है दोस्तों, कितनी जल्दी दिन ख़त्म हो जाते हैं पता नहीं चला। और वैसे भी मायके के तो कुछ ही दिन ही होते हैं, रहना तो वहीं पे है। चलिए मैं फटाफट से महावर लगा देती हूँ, आधे को तैयार कर देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। जो भी काम था यूट्यूब का वो मैंने कंप्लीट किया ताकि आप लोगों को वीडियो मिल जाए, बट उसे मैं लाइव करना ही मतलब भूल गई थी, तो फिर गाड़ी में ही लाइव किया था। और मोबाइल से हो जाता है, मैं सिर्फ एडिटिंग करती हूँ, और लाइव वगैरह करना होता है तो मोबाइल से मैं कर लेती हूँ। तो बस लैपटॉप हो गया है पैक, ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया है डन। हल्दी कहाँ रख दी? महावर और हल्दी, हल्दी कहाँ? थोड़ी हल्दी दे, अच्छा है ना? चलो जाकर डाल लो कटोरी चम्मच, बेकार है लगी, इतनी ऊंची हो गई, नीचे करो और ऊपर हो गया। तो नीचे कर दे वही ले आओ। नहीं कर भी, बस सही है। तो फोन से, बस फोन से रख दीजिए। 100 रुपए लिए तो काफी है, 100 रुपए में का जो बस अब मैं हल्दी लगाऊंगी और फिर महावर लगाऊंगी। विदाई का वक्त जो है वो करीब आता जा रहा है और दिल धक 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 होता है। और हालांकि मैं आ चुकी हूँ, लेकिन जब भी मैं ये वीडियो देखूंगी या देखती हूँ रोना तो आता ही है। तो हमारे ससुराल में हल्दी लगाकर ही महावर लगाया जाता है, तो मैं यहाँ पर पहले हल्दी लगाई है, फिर महावर लगा रही हूँ मैं। और बस फटाफट से महावर लगा के उसके बाद मैं एक दो रील भी बनाई थी इंस्टाग्राम पे मैंने, अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना मुझे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूबर प्रियंका पाटकार है मेरी इंस्टाग्राम आईडी। और अब मैंने और अंकिता ने कुछ रील बनाई थी हंसते हंसते वाली,
और दुखी तो सभी लोग थे, लेकिन मैं कभी भी मतलब रो के नहीं जाती हूँ। इमोशनल तो सब होते हैं, सभी के मन में रहता है कि हाँ मैं जा रही हूँ या अच्छा नहीं लगेगा। क्या होता है कि जब हम निकल जाते हैं उसके बाद भी, उसके बाद बहनें रोती हैं, उसके बाद ही मम्मी रोती हैं, घर खाली लगता है, मैं गाड़ी में रोती हूँ, ऐसा रहता है। पर सामने कोई नहीं रोता है, मम्मी और बहनें मेरी मतलब दिखाती नहीं है, लेकिन फेस में समझ में आ जाता है वो दुखी है अंदर से। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट से महावर है वो लगा लिया है और रंग लिए हैं अपने पैर महावर से। बस हो गई है पूरी तैयारी। तो मैं जाकर सबसे पहले हाथ साफ की हूँ, क्योंकि महावर उंगली में लगा होता है ना, इस वजह से कहीं लग ना जाए कपड़ों में। उसके बाद दक्ष आ गया था, वो एप्पल लेकर आया और कह रहा था काट के दो, तो मैं उसे एप्पल काट करके दे रही हूँ। और आगे का जो वीडियो जो पार्ट है वो मैं कल शेयर कर दूंगी फ्रेंड, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप बोर हो जाओगे। कल लास्ट में आप लोगों को दिखा दूंगी वीडियो में जो विदाई वाला पार्ट होगा। फिलहाल तो मेरी विदाई होने के लिए तैयार है बिल्कुल, बस अब निकलने ही वाले हैं यहाँ से। दक्ष को ये एप्पल खिला देती हूँ और उसके बाद बस निकलते हैं। मम्मी ने खाना वगैरह पैक कर दिया है, सब कुछ पैकिंग हो गई है, बस निकलना निकलना रह गया है। तो मैं कल शेयर करूँगी सब कुछ, इमोशनल जर्नी अपनी। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल पे नया है सब्सक्राइब करिएगा, मेरी फैमिली का हिस्सा बनिएगा, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए ना फ्रेंड, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।